हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम तस्कीर है और मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर फ़ख्र ज़मान के ऊपर इंडियन मीडिया क्या तारीफ़ें कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी बहुत ज़बरदस्त पारी रही थी कल के मैच में। नेक्स्ट लेवल है भाई, उनको टीम में आना चाहिए। अब उन्होंने ऐसा दिखा दिया है सबको कि यार मेरी भी जगह बनती है भाई, सबकी बनती है तो मेरी भी बनती है। इंडियन मीडिया में क्या चर्चे चल रहे हैं, और मैं जो है मैचेस पर यहाँ पर रिएक्शन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ तो वो ब्लॉक हो जाती हैं और ख़तरा रहता है कि यार हमारे चैनल को कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ब्लॉक कर देते हैं, कभी कभी स्ट्राइक भी दे सकते हैं वो, सो आप समझ सकते हो। इसलिए मैं आपसे जो भी शेयर हो सकता है मुझसे वो मैं शेयर करता हूँ और इन्जॉय करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं, हमारे दिल को थोड़ी सी और ज़्यादा खुशी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सामनेकर क्रिकेट के किसी भी एक्सपर्ट की राय लीजिए तो वो ये कैसा दिखाई देगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में यानी ओडीआईज या T20 में वही टीम आगे बढ़ती दिखाई देती है या उसी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी होता है जिसका बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग होता है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान सुपर लीग का 26वां मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में रावलपिंडी के मुकाम पर खेला गया, जिसमें PSL की दो बेस्ट साइड आपस में मध्य मुकाबले, लाहौर कलंदर्स जिसकी बॉलिंग के पूरी दुनिया में चर्चे हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसका बैटिंग लाइनअप 9वें नंबर तक जाता है। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बनाए जो कि एक बड़ा टोटल है, और ये वही पिच है जिस पर उससे एक रोज पहले 241 रन बने भी थे और चेज भी हुए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग शुरू की तो शुरू से ही उसे झटके लगना शुरू हुए और 107 पर 9 खिलाड़ी आउट होने के बाद, क्योंकि आजम खान इंजरी की वजह से बैटिंग नहीं कर पाए, इसलिए पूरी टीम को वापस पवेलियन पहुंचना पड़ा और एक बड़े स्कोर से लाहौर कलंदर ये मैच फिर जीत गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस आपस में सोशल मीडिया पर बहसो तकरार करते नजर आ रहे थे कि पिछला मैच लाहौर कलंदर इसलिए जीता कि वो अपने घर में था, यानी लाहौर में जीता था, जब वो पिंडी के मैदान में आएगा तो इस्लामाबाद का वो होम ग्राउंड होगा, इसलिए हम लाहौर कलंदर को मात देंगे। लेकिन एक बार फिर एक बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मात दी है। अब अहम बात यह है कि 107 का जो मजमूई टोटल इस्लामाबाद यूनाइटेड का था उससे ज्यादा तो यानी 115 रन तो अकेले फ़ख्र ज़मान ने बनाए हैं, और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इंतहाई नेकशगुन है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी, हारिस रऊफ और फ़ख्र ज़मान समेत जितने भी प्लेयर्स इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं उनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी प्लेयर्स की है जो कि पाकिस्तानी बेंच स्ट्रेंथ को काफी मजबूत करने वाले हैं। बहरहाल जितने जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, दुनिया भर का स्पोर्ट्स से रिलेटेड मीडिया इस वक्त PSL के गुण गाता नजर आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी पाकिस्तान सुपर लीग के वैसे ही चर्चे हैं जैसे पाकिस्तान में है, और वो लोग बड़े शौक से पाकिस्तान सुपर लीग को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और अहम बात यह है कि उन सब की भी सबसे ज्यादा फेवरेट टीम्स दो ही हैं, यानी लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी। बहरहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि गुज़श्ता रात होने वाले मैच पर भारत का मीडिया या उसके सहाफी क्या बातें कर रहे हैं। देख लिया भैया, अच्छी बॉलिंग का पावर, अच्छी बॉलिंग लाइनअप होने का फायदा, इसी ग्राउंड पे 240 रन डिफेंड नहीं हो पाए थे कल, और इसी ग्राउंड पे 226 रन एक टीम बनाती है और सामने वाली टीम 119 रन से मैच हार जाती है। कमाल की देख लो आप, अच्छी बॉलिंग होने का क्या फायदा होता है देख लो आप। और इसलिए मैं कहता हूं कि लाहौर कलंदर्स इस PSL की बेस्ट टीम है, है कि नहीं है? लाहौर कलंदर्स है इज द बेस्ट टीम ऑफ PSL 8। ये पिछले PSL की भी जो है बेस्ट टीम थी और चैंपियन बनी थी, बार तो जीत भी और इस PSL की भी बेस्ट टीम है, और मुझे लगता है कि इसके पास चैंपियन बनने का मादा इस बार भी है। और PSL की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है 8 साल की हिस्ट्री में कि एक टीम का जो बल्लेबाज है उसने जितने रन बनाए सामने वाली पूरी टीम मिलके उतने रन नहीं बना पाई। तो आज तो इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर से नहीं हारी है, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड केवल फ़ख्र ज़मान से हार गई। फ़ख्र ज़मान ने बनाए 115 रन और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने बनाए पूरी टीम मिलके बताइए मुझे। फ़ख्र ज़मान ने बनाए 115 रन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम ने मिलकर बनाए 107 रन, मतलब फ़ख्र ज़मान से भी नहीं जीत पाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है इस्लामाबाद की, बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ऐसी बैटिंग लाइनअप इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ हमेशा जो है प्रॉब्लम में रहेगी वो तब जब 200 के ऊपर का टारगेट चेज करना हो। 200 के ऊपर का टारगेट चेज करना होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपको शुरुआत से अटैक करना होता है, लेकिन जब आपके सामने शहीनशाह आफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ, डेविड वीसा, राशिद खान, सिकंदर रजा जैसे बॉलर होंगे तो आप कब तक बचेंगे? 130-140 रन, ये टीम लाहौर की टीम 150 रन को भी डिफेंड कर सकती है, सीजन में किया भी है।
इस सीजन में लाहौर ने 150 से कम के टोटल को भी डिफेंड किया है। इकलौती टीम है मेरे ख्याल से, जबरदस्त है। इसकी बॉलिंग को पार पाना किसी किसी दिन फेल हो जाता है। देखिए पेशावर जलमी के खिलाफ टीम हार गई थी पिछले मैच में, लेकिन उस मैच को बहुत लाइटली ले लिया था लाहौर ने, बहुत लाइटली ले लिया था। राशिद खान से हार गई सर, पहले तो फखर जमान के बराबर भी रन नहीं बना पाई आपकी टीम। बैटिंग पावर हाउस फोर्स हवा निकल गई और आज इंजर्ड हो गए थे अपने विकेट कीपर बैटर जो है आजम, उंगली में चोट लग गई उनके और वो खेल नहीं पाए, इस वजह इसका भी जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा असर जो है आजम खान शायद ही डाल पाते, इतना सामने दूसरी तरफ से कोई टीम चली नहीं रही है, कोई प्लेयर चली नहीं रहा है, तो उसमें आजम खान भी रह के क्या कर लेते। उनको विकेट कीपिंग करते समय, कैच ट्राई करते समय जो है गैस बॉल गैदर करते समय उंगली में चोट लग गई आजम खान को, और आजम खान को अस्पताल ले जाया गया है स्कैन के लिए कि उनकी उंगली में फ्रैक्चर है या नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल से फ्रैक्चर की रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि फ्रैक्चर है कि नहीं, आगे वाले मैचों में नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलते आजम खान तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इस्लामाबाद की टीम आ जाएगी। जैसे पहले मैच पीस दिया था, आज भी पीस दिया, कोई नहीं चल। इस बॉलिंग को फेस करना बहुत मुश्किल है भाई साहब। एक बार जब लाहौर 200 पार हो गई तो चाहे वो कितनी भी फ्लैट पिच हो, उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो उसको डिफेंड कर ले जाए। हाँ यार, बॉलिंग तो और कर ले गए। किसी महान इंसान ने क्रिकेट को लेकर बड़ी सामान्य सी बात कही है कि आप कैच पकड़िए और मैच जीत लीजिए। कैच पकड़ने से मोमेंटम आपकी तरफ आता है, नहीं पकड़ते हैं तो हाँ, ऐसा बोलते हैं। ये बात इस्लामाबाद यूनाइटेड से बेहतर कोई नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि उनकी टीम आज यूनाइटेड तो थी ही नहीं, बिखरी बिखरी हुई टीम और ड्रॉप कैचेस किसके, फखर जमान। वो फखर जमान जिनके बारे में कहा जाता है कि कैच छूटने से पहले का फखर जमान और कैच छूटने के बाद की जो उनकी बल्लेबाजी है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, बहुत फ़र्क होता है। और इस बात को केवल उनके प्रशंसक या आलोचक नहीं कहते बल्कि वो खुद कहते हैं। पोस्ट मैच देखिए ना, शतक ठोकने के बाद 115 रन ठोके हैं, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, मैच आधा वहीं क्लियर हो गया कि एक बार नहीं दो बार कैच छोड़ा, एक बार DRS भी मिल गया, आई थिंक एक रन पे पहला, उसके बाद 70-71 पे दूसरा और 85 पे DRS। अब किस्मत अगर इतनी ज़्यादा किसी इंसान के बुलंद हो तो फिर अपनी टीम को फख्र तो करवाए गई और यही उन्होंने करवाया। उस मैच कहा उन्होंने कि मैंने अपने साथी खिलाड़ी से कहा कि यार एक रन पर कैच छूट गया इसका मतलब दिन मेरा आज है, तो आज ना दबा के मारें और ऐसा मारेंगे मज़ा आ जाएगा। और फिर इस्लामाबाद वालों की जो कुटाई हुई है, आज नींद नहीं आने वाली। फखर कहते हैं कि जब पहला कैच छूटा तो मैंने बिलिंग से कहा कि यार अब शदाब को बस ठोकते हैं, शदाब ही एक ऐसा बॉलर लग रहा है जो विकेट ले सकता है और अगर इसकी पिटाई कर दी तो बाकी टीम जो है अपने आप प्रेशर में जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज तो उनके कैच छूटने वाले, मतलब ये स्लिप वाला कैच हो या जो ये लॉलीपॉप छोड़ा था, मतलब ऐसे कैचेस आप छोड़ेंगे तो कहाँ मैच आप जीतने वाले हैं। और वही यहाँ पर देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा इसके बाद धुनाई जो है वो हुई है। शदाब भी पोस्ट मैच कहते हुए नजर आए कि हमारी टीम इतनी बुरी तो नहीं है कि हम हर मैच में 200 से ऊपर रन खाएं, लेकिन अगर आप 200 से ऊपर रन खाते हैं और आपके सामने लाहौर जैसी टीम है जिसकी गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमारे साथ यही हुआ। किस्मत आज कहीं से भी हमारे साथ नहीं थी, हम कैचेस छोड़ रहे थे, फील्डिंग ख़राब कर रहे थे, जो रिव्यू हो जा रहे थे वो हमारे खिलाफ जा रहे थे, कुल मिलाकर हमारा दिन नहीं था और विकेट कीपर भी हमारा चुके। ऐसे ही कहते थे कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा, कैच ड्रॉप कर दी तो मैच ड्रॉप कर दिया, मतलब छूट गया हार गए, तो ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर मैच हारने की वजहें आप इसमें कुछ भी बता सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं कि यार ये वजहें रही होंगी, कैच छोड़ना, आज़म का चोटिल हो जाना, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छी बॉलिंग टीम को जो बॉलिंग करा सकती है और रिकॉर्ड तोड़ बॉलिंग कराती है भाई, वो उसको अगर आप मौका देंगे कि आप वो 200 प्लस स्कोर चला जाए तो फिर आप वहाँ वो स्कोर चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सेकंड पारी में चेस कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फखर जमान की तो टक्कर ही नहीं है भाई, वो टॉप फाइव की लिस्ट में तो हैं। आई थिंक वो कल दिखाया था या परसों दिखाया था, कोई चार्ट दिखाया था मोस्ट रन्स के उसमें, तो वहाँ पर तीसरे चौथे नंबर पे तो थे शायद। PSL बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दे रहा है हमको, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।